तो दोस्तों, मैं पंकज और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सब जॉब के अंदर। आज की इस वीडियो में हम एक रैपिड रिवीजन करने वाले हैं ब्लड एवं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि रक्त एवं रक्त परिसरण परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र का जो जनक था वो कौन था। तो वो थे डॉक्टर विलियम हार्वे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, डॉक्टर विलियम हार्वे ने रक्त परिसरण तंत्र का जनक कहा जाता है। कोशिका, उत्तक, अंग, तंत्र, ये सब मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर को, यानी कि कोशिका और उत्तकों को जीवित रहने के लिए अथवा कोई भी कार्य करने के लिए अथवा समस्त उपापचय क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये ऊर्जा मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ से हम ग्रहण करते हैं, पोषक पदार्थ खाते हैं और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण यानी कि O2 की उपस्थिति में टूटने पर प्राप्त होती है। अर्थात ऊर्जा या एनर्जी निर्माण के लिए ग्लूकोज और O2 हमें चाहिए शरीर के अंदर। अब बात बता देते हैं, ग्लूकोज पोषक पदार्थ भोज्य पदार्थों या भोजन के पाचन तंत्र में पाचन द्वारा प्राप्त होता है। O2 जो ऑक्सीजन है वह गैस फेफड़ों द्वारा यानी लंग्स द्वारा शरीर में ग्रहण कर ली जाती है। फेफड़ों द्वारा वायुमंडल में मौजूद सभी गैसें ग्रहण की जाती हैं, लेकिन उपयोग होता है O2 का। ठीक है, तीसरा आपको बता दूं, ग्लूकोज और ऑक्सीकरण को संपूर्ण शरीर तक पहुंचाने के लिए एक तरल ब्लड की आवश्यकता होती है। ब्लड का काम होता है ये, आज तक यदि नहीं पढ़ा है तो वापस पढ़ लो। जो ग्लूकोज है, ठीक है, O2 है, उसको हमारे शरीर तक पहुंचाने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। CO2 हमारे शरीर के द्वारा बाहर छोड़ी जाती है और O2 को ग्रहण कर लिया जाता है और वो रक्त में चली जाती है। ठीक है, ऐसे ही ग्लूकोज प्लस O2 मिलकर कोशिका और उत्तक बना देते हैं। अब एक नॉर्मल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, मोटर पंप का एक एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, एक ब्लैंक स्क्रीन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मोटर होती है, मोटर कौन सी, जो पानी पानी वाली मोटर होती है जिसमें से पानी जाता है, प्रेशर करते हैं। तो मोटर के लिए हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, पाइपलाइन लगाते हैं। पाइपलाइन में से क्या जाता है, पानी जाता है और पानी का क्या करते हैं, उपयोग कर लेते हैं। इसी तरह से जिस तरह से मोटर है उसी तरह से हमारे पास क्या होता है, हार्ट होता है यानी कि हृदय होता है। पाइप के रूप में उसके पास में क्या होती है, पाइप के रूप में उसके पास में रक्त वाहिनियाँ होती हैं, शीरा, धमनी, रक्त कोशिकाएं जिन्हें बोलते हैं, रक्त वाहिनी जिसके पास होती है। ठीक है, दूसरा उस रक्त वाहिनी में, जैसे इसमें पाइपलाइन में पानी जाता है, रक्त वाहिनियों में क्या जाएगा, ब्लड जाएगा, उस ब्लड का हम यूज कर लेंगे। ओके, इतना काफ़ी। अगला जो क्वेश्चन है वो है हार्ट। हार्ट को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कार्डियो कहेंगे। ठीक है, रक्त वाहिनियों को NGO को बोलेंगे और ब्लड को हीम या मियाँ भी बोलते हैं उसको। दूसरा, कार्डियो, अब जो हार्ट का इलाज करता है उसको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी। अध्ययन को हम लॉजी कहते हैं और कार्डियो को हम हार्ट कहते हैं। ठीक है, हिप्टोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर कहलाती है। ये बात हो गई आज हमारे रक्त परिसरण चरण तंत्र के बारे में। एक छोटा सा बेसिक सा आपको एक प्रीव्यू दिया है ब्लड और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। हम आगे अब आपको बताएंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, हार्ट कैसा होता है और क्या क्या काम होते हैं वो सब हम आपको आज बताएंगे। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।